हाय फ्रेंड्स, मैं हम सुधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाला हूँ फिरंगी मूवी को लेकर। फिरंगी मूवी का रिलीज डेट 2-3 बार चेंज हो चुका है। पहले 17 था, आई थिंक, नहीं 17 नहीं था, आई थिंक 2-3 बार नहीं, एक ही बार चेंज हुआ है। लेकिन फिरंगी मूवी को लेकर बहुत मेरे माइंड में क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। फिल्म का बजट अच्छा खासा है क्योंकि हिस्टोरिकल तरीके से फिल्म बनाई है। और कपिल शर्मा अगर आप देखोगे यूट्यूब पे और जो हर जगह हर शो पर हर किसी जगह जा रहे हैं फिल्म का प्रमोशन करने, और फिल्म एक बड़े लेवल पर उन्होंने बनाया है, पैसे उन्होंने डाले हैं, उनका शो फिलहाल ऑफर है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ वो खुद चाहते होंगे ये फिल्म किसी तरह से सक्सेस हो जाए। लेकिन ये फिल्म में क्या सक्सेस हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मुझे नहीं पता इस फिल्म का बजट कितना है या इसे कितने बेहतर तरीके से बनाया गया है। क्योंकि जो डायरेक्टर है राजीव ढेंगरा, मैंने उनका भी नाम इसके पहले कभी नहीं सुना। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कॉमेडी एलिमेंट नहीं है इस फिल्म का प्रॉपर जेनर। थोड़ा सा कॉमेडी से हटके नॉर्मल एक स्टोरी है, जो नॉर्मल जो बॉलीवुड फिल्म जिसे कहते हैं, पंजाबी तड़का जरूर है इसमें फ्लेवर स्टोरी में। तो ये स्टोरी किस तरह से चलेगी ये, या दर्शक इसे पसंद करेंगे नहीं, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा डाउट है। मेरे से लोग पूछे कितना कमाएगी, मैं अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है मुझे कि ये फिल्म कितना कमाएगी या कितने स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। ऐसे में इस फिल्म का कलेक्शंस क्या होगा, मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है मेरे माइंड में। तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको कपिल शर्मा की फिल्म किस तरह से चलेगी या ये कितना लाइफ टाइम कमा सकती है? ज़रूर अपनी राय दीजिए, और हो सके तो रीज़न हो तो कुछ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये 1 दिसंबर को फिल्म जब रिलीज़ होगी तो ये किस तरह से परफॉर्म करेगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय।